के पहुंच जाता हूं कि जक्सी कितना अग्रेसिव पोजीशन लिया है। जक्सी को आप देख सकते हो वो बिल्कुल ओपन में चला गया, वहां पे नॉक होके फिनिश हो गया। आई थिंक किसी भी टीम को फ्री किल्स देना चाह रहे होंगे बीटीआर पर। यहां पे देखते हैं कि क्या एंटिटी इसको फोर किल्स पे कन्वर्ट कर पाती है। यहां पे एक प्लेयर उनका नॉक है, अमन काफी क्लोज आ चुका है, मैकबर उसको स्पॉट कर लिया होगा। यहां पे मैकबर के पास एक एडवांटेज था, स्लाइट मिलीसेकंड का एडवांटेज था, पर यहां पे मैकबर को काफी स्प्रे मिलते हुए घातक ने वहां पे जक्सी को कंफर्म किया। एक किल अपने खाते में लिखा। बीटीआर इज डाउन टू 3 मैन एंड बीटीआर टोटल 128 किल्स एज ऑफ नाउ। यहां पे बीटीआर पे हैवी स्प्रे, नियो और जोनाथन मिलकर अगर ये कार्ड बस्ट कर देते हैं तो उस डैमेज से लक्सी नॉक हो सकता है। यहां पे मैकबॉय भी काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। अमन काफी अग्रेसिव पोजीशन में, उनको काफी केयरफुल रहना होगा। पीछे से भी कोई टीम आती है तो उनको दिक्कतें हो सकती है। देखना होगा किस तरह से ये गेम बनता है। जोनाथन ने यहां पे राइजन को पिक ऑफ कर लिया है एंड यस, अमन काफी ज्यादा ओपन है, एनालिसिस टेकिंग ओपन शॉट, बट यहां पे अमन एंड एंटिटी ये अभी पीएमसीओ की नंबर वन टीम के साथ खेल रहे हैं। देखिए एग्रेशन, देखिए बिल्कुल डर नहीं है और घातक ने यहाँ पे कोरेज का कर डीपी का जो प्रदर्शन दिखाया है। यहाँ पे लक्ष्य को पिक ऑफ कर लिया भाई, आपने हाईएस्ट फ्लैग लेंगे अपने घर पे अभी के लिए। अगर आपने एक भी गलती करी हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम आपको पनिश कर सकते हैं। यहाँ पे घातक ने गाड़ी खत्म करी, लक्ष्य और आइजन की कंप्लीट करी और एंटिटी ने बीटीआर को एलिमिनेट किया। व्हाट अ गुड पुश, व्हाट अ गुड पुश, क्या बेहतरीन। आई गेस अमन का भी यहाँ पे बहुत अच्छा वो था। घातक का पुश मुझे बेस्ट लगा, घातक डिड द बेस्ट जॉब यहाँ पे। ऑब्वियसली अर्ली नॉक भी किया उन्होंने पहले जक्सी को, फिर उन्होंने जिस तरह से रोटेट किया आके DB28 का बहुत ही प्यारा यूज। एक स्प्रिंट ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, 5 सर्कल खत्म हो चुके हैं। किसी भी क्षण हमें एक नया सर्कल देखने को मिल सकता है। जो ब्लू जोन है वो धीरे धीरे अपने डिजायर्ड सर्कल की तरफ बढ़ रहा है। जितनी भी टीम है, टीम नंबर 7, जैसे अगर क्लाउड 9 की बात करें, क्लाउड 9 को जल्दी है। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबल फाइनल की शुरुआत करी थी भाई, सब पागल हो गए। एंड वहां पे जोनाथन ने पीओवी को फिनिश ऑफ करके अपने लिए आई गेस एंटिटी हैज सिक्योर्ड अ टॉप 5 फिनिश। बिकॉज अभी अगर उन लोग मर भी जाए तो आई एम प्रीटी श्योर दे गेटिंग अ टॉप 5 फिनिश। यहां पे ऑरेंज के प्लेयर्स एलिमिनेट होते हुए ऑरेंज की पूरी टीम ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन एंड Entity is here to almost script an history. अगर उन लोग टॉप 5 फिनिश करते it's gonna be so good, so great and Test की Eagle वहाँ पे मेगा के प्लेयर्स को पिक ऑफ करना चाह रहे हैं। Test अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, Test और मेगा के बीच वाली फाइट, बट yes, we cannot steal this moment. Eliminated, we'll have to see. And Mega clinches the top 2 spot. Eliminate ko unhone bahar nikala. And kya interesting last game raha. Team kaise yahan se kick off hogi and uski jagah legi Entity for now. Entity jab you know jab although unke 3 log abhi bhi alive hai, we are down to 5 people, 14 people alive. Entity agar ye chicken dinner le leti hai, do you realize? Entity can hit the top 4 mark. Exactly, well. अभी अभी चार पास already 10 kills हैं. Entity का मुझे लगता नहीं है कि आप किसी भी हालात में उनको फिर position से हटा सकते हैं। I just still want कि वो ज़्यादा से ज़्यादा kill निकाल दें। यहाँ पे Test को उन्होंने यहाँ पे years को knockout कर दिया, वो भी grenade मार कर Jonathan ने. And yes, अब वो Test का जो सपना है second third position आने का, वो रोक सकती है Entity. You never know, because Entity का momentum है, Entity का game है, but they are in a quite open space. उनके पास कोई भी hidden spot है, एक छोटा village है, अगर वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा चांसेस होगा। यूडी के गीक ने यहाँ पे ईयर्स को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर Test के 3 प्लेयर है, एंटिटी के 3 है और यूनिक गेमिंग के साथ 4 प्लेयर है। एंड आई गेस यहाँ पे गीक यहाँ पे एक नेट करना चाह रहे हैं के एसकेआर को। ऑलमोस्ट 1 एचपी छोड़ा, बट आई थिंक यहाँ पे पिक ऑफ हो गए जोनाथन एंड वहाँ पे घातक खड़े हुए एंड उसको उनको यूनिक के ओल्ड बॉय ने पिक ऑफ किया। यूडू ने यहाँ पे Test के एसकेआर को फिनिश कर दिया। वी आर डाउन टू अ 3v1v2v1 सिचुएशन एंड इट्स नाउ एंटिटी गेटिंग एलिमिनेटेड एंड मेकिंग इट एंड सिक्योरिंग देयर टॉप 5 स्क्वाड। मतलब बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से टॉप 5 सिक्योर्ड फॉर इंडिया, एंटिटी गेमिंग इट इज। एंड यहां पे अब अगर हम बात करें Test स्टिल फाइटिंग फॉर इट, 2v2v1 सिचुएशन बहुत ही सनसनी खेज बन चुका है, ये बहुत ही सनसनी मामला है। यहां पे Test इज बेटिंग फॉर मतलब बहुत मेजर डिफरेंस इन प्राइस पूल। यहां पे जैसे सिंगल पिक ऑफ यूनिक के रोज को बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक है, रोज ने Test बस यहां पे थोड़ा केयरफुल रहे, रोज को उन्होंने कंफर्म किया। इट्स अ 2v1v1 सिचुएशन, Test बहुत ज्यादा पेशेंस का टेस्ट है ये उनका Test के लिए। टॉप स्पोर्ट्स यहां पे ईगल ने पिक ऑफ किया किट्सुन को एंड नाउ इट्स अ 2v1 सिचुएशन। यूनिक के याशा पीछे है, गलतियां ना करे, अपना मोमेंटम ना खोए, इजीली स्लोली कामली दे कैन गेट दिस चिकन डिनर, दे कैन सिक्योर दिस एंड मुझे उनके चेहरे में खुशी देखनी है। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट दैट एक्स्ट्रा $5,000 एंड यहां पे Test गेटिंग द चिकन डिनर एंड मेकिंग देयर वे इनटू टॉप 2। क्या गेम था, मतलब व्हाट अ गेम। एंटिटी सिटिंग लाइक बीस्ट विद 11 किल्स एंड ये शानदार ट्रॉफी जो की होगी बीटीआर की, बट देन स्टिल अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट ग्लोरी एंटिटी अपना वहां पे चाव मनाते हैं एंड बीटीआर रनिंग इनटू द स्टेज विद दैट फ्लैग
And ye. I'm getting goosebumps, but trust me, ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है. And yes, these kids, 16-17 साल के बच्चे, और ऐसे इन्होंने धुआं मचाया था पूरे back-to-back tournament के अंदर. भाई जितने लोगों के kills नहीं है, जितने लोगों के points है, उतनी इस team ने kills निकाल लिए. 128-130 kills निकाली हैं. 5 chicken dinner, मजाक की बात है. And the bigger tron, team BTR is your champion for PMQ Global Final Falls.